हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन बैच। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ जहां भी होंगे अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बोल सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अटका सकता है, पर अटकने नहीं देंगे, चिंता मत करिए, हलवा बना देंगे। प्रैक्टिस पेपर 5 का, ज्योमेट्री का नॉनवीट प्रैक्टिस पेपर, ज्योमेट्री का प्रैक्टिस पेपर 5 का क्वेश्चन और 4 का लास्ट वाला क्वेश्चन। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार देखिए, चौंका देगा, पर हलवा है। क्वेश्चन क्या है? अ सेमी सर्कुलर शीट ऑफ मेटल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, अ सेमी सर्कुलर शीट ऑफ मेटल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू एन ओपन कॉनिकल कप। एक सेमी सर्कुलर शीट है ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, सेमी सर्कुलर शीट है, सेमी सर्कुलर है मतलब आधा सर्कुलर शीट है, आधा सर्कुलर शीट है जिसका डायमीटर कितना है पता है? थोड़ा बड़ा बनाता हूं तो हर बच्चे को दिखेगा भी अच्छे से। मैं डायग्राम थोड़ा बहुत बेकार है बच्चों। सेमी सर्कुलर शीट है, चलो ठीक है, सेमी सर्कुलर शीट है जिसका डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर, कितना है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, समझा? हाँ सर। इज बेंट इनटू एन ओपन कोनिकल कप, इसी को बेंट करके, इसी को मोड़ के ओपन कोनिकल कप। अगर कोन देखते रहोगे तो ऐसे ही कप, जैसे एक पेपर को फोल्ड करते हैं, इसको देख लो ऐसा फोल्ड करेंगे ना, तो वैसा कोनिकल कप में ला दिया, यहां इसके बाजू में बना दे रहा हूं। ठीक, कोनिकल कप में बन गया। अब क्या बोला है? फाइंड द डेप्थ एंड कैपेसिटी ऑफ द कप। डेप्थ मतलब क्या? इसकी गहराई, मतलब सर परपेंडिकुलर हाइट। अब डेप्थ मतलब क्या? जितना गहरा होगा, मतलब इसकी परपेंडिकुलर हाइट जो होगी वही उतना ही गहरा होगा, उतना ही क्या होगा, गहरा होगा जितना परपेंडिकुलर हाइट होगा। तो मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? परपेंडिकुलर हाइट। और कैपेसिटी मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल कप। कैपेसिटी मतलब कितना वो चीज, कोई भी चीज कितना वो कंटेन कर सकता है। जब कैपेसिटी की बात आएगी ना तो वैल्यूम आ जाएगा, क्या जाएगा? वैल्यूम। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पे वैल्यू दिया है, अंडर रूट 3 की वैल्यू दिया है, अंडर रूट 3 की वैल्यू दिया है 1.732। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, हलवा बना देंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हलवा बनाएंगे। चलो, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप लोग बोल सकते हो। और इसको लास्ट तक वीडियो देखना, आपको अपने हर एक दोस्तों को शेयर करना है, ये वीडियो जरूर शेयर करना है, और इसको जब तक ना आ जाए तब तक प्रैक्टिस करना है। चलो, फॉर सेमी सर्कुलर मेटल सीट, ठीक है, अब इसका डायमीटर कितना है बेटा? 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर अपॉन 2, 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर, सर समझा? चलो, तो मतलब इसकी रेडियस कितना, अब इसका रेडियस जितना होगा उतने ही का क्या होगा ये हाइट भी, मतलब यही ये भी रेडियस है, भी क्या है, रेडियस है, समझा? तो याद रखना, जितना इसका हाइट है ना, यही बाद में ना स्लैंट हाइट बन जाएगा, क्योंकि ऐसे ही फोल्ड होके बनेगा, तो जो हाइट है वो बाद में स्लैंट हाइट बन जाएगा, क्या बन जाएगा? स्लैंट हाइट, याद रखना, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है, ठीक है। अब ये जो मेटल सीट है, अब इसकी लंबाई कितना है? अब ये सर्कुलर में है, इसकी लंबाई तो कैसे निकालेंगे? सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो यहां क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ, या पेरीमीटर ऑफ, यू कैन राइट पेरीमीटर ऑफ मेटल सीट, मेटल सीट इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। अब देखो बेटा, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr। सेमी सर्कल क्या होगा? डिवाइड बाई 2, मतलब बेटा 2 2 कैंसिल हो जाएगा,
टू टो कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा पाई आर। ठीक है, अब देखो इसमें इसमें भी रेडियस है, इसमें भी रेडियस है, तो इसके रेडियस को मैं आर वन ले ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, आर वन, समझ रहा है बेटा, इतना जो सेमी सर्कुलर का है उसके रेडियस को आर वन ले लूंगा और इसके रेडियस को आर टू, समझा। चलो तो सर आप तो गाने लगते, नहीं गा नहीं रहा बेटा, प्यार से पढ़ा रहा हूं प्यार। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप विद्या से प्यार करेंगे विद्या माँ भी आपसे प्यार करेगी। चलो मोदी तो हंस रहा है, मैं विद्या माँ की बात कर रहा हूँ। देखो अब पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 R1 क्या है बेटा 14, समझा। 7 कुछ क्या बचेगा 2, तो 44 सेंटीमीटर, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ मेटल सीट और लेंथ ऑफ मेटल सीट। ठीक है, अब देखो जितना पेरीमीटर होगा, देखो जितना पेरीमीटर मेटल सीट का होगा उतना ही पेरीमीटर, उतना ही पेरीमीटर क्या होगा, बेस ऑफ द कोन, बेस ऑफ द कोन, कोन के बेस का भी पेरीमीटर उतना ही होगा, समझ रहे हो, क्योंकि यहां पे जो सेम पेरीमीटर होगा सेम पेरीमीटर ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब देखो सेमी सर्कल जितना पेरीमीटर होगा उतने ही पेरीमीटर क्या होगा, इसके बेस का होगा, इसके बेस का होगा। चलो तो यहां क्या लिखेंगे, सिंस कोनिकल कप इज मेड फ्रॉम सेमी सर्कुलर मेटल सीट, देयरफॉर सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कोनिकल कप, कोनिकल कप इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कुलर मेटल सीट, सेमी सर्कुलर मेटल सीट। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सर्कमफेरेंस होगा क्या हो जाएगा, 2πr1, क्योंकि कोन का जो बेस होता क्या होता है, सर्कल होता है, क्या होता है सर्कल होता है, 2πr1 और इसकी वैल्यू क्या है 44 ना। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो 2 × π की वैल्यू 22/7, यहां से क्या मिल जाएगा रेडियस ऑफ कोनिकल कर्व। तो ये यहां पे बेटा जो यहाँ पे डिवाइड में है वो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो यहाँ डिवाइड में, दिख रहा है बेटा। तो 22 × 44 और 2 × 2 = 2, 1 + 2 = 2 कैंसिल। तो आर वन की वैल्यू आ गया है 7 सेंटीमीटर, मतलब सर ये रेडियस ऑफ कोनिकल कफ है, रेडियस ऑफ कोनिकल कफ है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों रेडियस ऑफ कोनिकल कप कितना मिल गया 7। अब देखो जितना जितना कप का क्या था रेडियस, यहाँ पे कप का हाइट था ना उतने हाई, उतने क्या होगा स्लैंट हाइट हो जाएगा क्या, कोनिकल कप का, समझा। तो यहां लिखेंगे, ठीक है, तो एल इक्वल्स टू 7 कितना है, सॉरी 14 है ना, 14 सेंटीमीटर। तो यहां लिखना पड़ेगा पहले, सिंस कोनिकल कप इज मेड अप, या तो यहां लिख सकते हैं कि सेमी सर्कुलर मेटल स्ट्रिप इज बेंड इनटू कोनिकल कप, देयरफॉर स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल कप इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कप। तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू हमने क्या निकाला 7 सेंटीमीटर। अब पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द डेप्थ ऑफ द कोनिकल कप, डेप्थ मतलब क्या इसका ये गहराई, हाइट h1। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू क्या हो गया 14, आर कितना है 7, एच स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, इधर 49, फिर एच स्क्वायर, बेटा ये यहां प्लस है इधर आएगा तो माइनस, तो बेटा अगर इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 147, तो एच इक्वल्स टू अंडर रूट 147। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 49 × 3,
49 थ्री क्या होगा 147, 49 बाहर निकलेगा तो 7 h इक्वल्स टू 7 रूट 3। अब रूट 3 की वैल्यू दिया है 7 इंटू 1.732 दिया है, तो 7 टू जा 14 कैरी 1, 7 थ्री 21 और 122 कैरी 2, 7 जा 49 और 2 51 कैरी 5, 7 जा 7 और 5 12 और उसके बाद 3.5 डेसिमल। अब देखो बेटा इसको, ये देखो ये 5 से छोटा है ना तो यहीं तक लेंगे, तो 2 पॉइंट तक ही लेंगे, इसका वैल्यू क्या लेंगे 12.12 सेंटीमीटर। अगर ये 5 से बिगर होता तो एक डिजिट से इसको क्या कर देते, उसको इंक्रीज कर दे, राउंड अप बढ़ा देते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एच की वैल्यू क्या आ गया 12.12 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स मिलेगा इसका कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ कोनिकल कप, क्या लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ इक्वल्स टू वैल्यूम ऑफ कोन, तो क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ आर टू होगा, आर टू का स्क्वायर होगा ना, इसका रेडियस क्या है आर टू है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर आर कितना है यहाँ 7 इंटू 7, एच कितना है 12.12, 3 से कैंसिल कर दो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7 इंटू 3 4 जा 12 ना, अब 1 तो क्या है इससे क्या है छोटा है ना, तो 0 टाइम जाएगा, फिर अगेन 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो 4.04। अब यहाँ देखो बेटा इसका मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 154 इंटू 4.04, ठीक है समझ में आइए। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो बेटा, चलो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 154 और 4.04, 4 या 16 कैरी 1 20 और 121 कैरी 2, 4 या 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, समझा। अब 0 से मल्टीप्लाई करना है, 0 लिख दो, अगेन 4 से करेंगे तो 616 आने वाला है, 6 1 12 कैरी 1, ये कितना हो जाएगा 2 और ये 2 पॉइंट पे डेसिमल, तो क्या हो जाएगा 6 2 2.16 क्यूबिक सेंटीमीटर। कभी वैल्यूम क्या होता है क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर थोपड़ा पहली बार मेरा देखने को मिल रहा है तो आप क्या करिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो जब भी अपलोड होगा सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, तो अब क्या करिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि अब कल से हम लोग लाइव लेक्चर करने वाले हैं। एक लेक्चर में हम लोग एक लेक्चर में पूरा अलजेब्रा खत्म करेंगे, एक लेक्चर में पूरा ज्योमेट्री खत्म करेंगे टेक्सचुअल, उसके बाद हम लोग 21 प्रैक्टिस पेपर तो सॉल्व कर ही रहे हैं, छोटे वीडियो में बना के अपने लिए अपलोड कर ही रहे हैं, फिर आपके डाउट रहेंगे लाइव लेक्चर में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।